यूपी के कौशाम्बी जिले में खस्ताहाल सरकारी महकमे के वाहन का ताजा वीडियो सामने आया है, जिसमें तहसीलदार सिराथू के वाहन को स्टार्ट करने के लिए उनके अर्दली और सुरक्षा गार्डों को धक्का लगाना पड़ रहा है। मिली जानकारी के अनुसार तहसीलदार सिराथू बीडी गुप्ता पांसा थाना इलाके में एक सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराने की कार्रवाई करने गए थे। कार्रवाई खत्म होने के बाद जब वो अपने तहसील जाने को गाड़ी में बैठे तो उनका सरकारी वाहन स्टार्ट नहीं हुआ। इसे देख जनता के सामने तहसीलदार साहब को काफी किरकिरी झेलनी पड़ी। गाड़ी के स्टार्ट न होने पर तहसीलदार साहब काफी नाराज भी हुए और अपने खटारा वाहन में जाकर बैठ गए। साहब की गाड़ी में बैठते ही उनका अर्दली और सुरक्षा में लगे होमगार्ड गाड़ी को धक्का लगाकर स्टार्ट करने की कोशिश करने लगे। काफी दूर तक धक्का लगाने के बाद ड्राइवर ने गाड़ी को स्टार्ट कर आगे अपने दफ्तर तक लेकर चल दिया। इस पूरे मामले का वीडियो वायरल होने के बाद जब हमने तहसीलदार सिराथू से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बात करने से साफ मना कर दिया, लेकिन उनके सुरक्षा गार्ड ने बताया कि साहब की गाड़ी काफी खस्ताहाल है, उनके लिए गाड़ी में धक्का लगाना कोई नई बात नहीं है।